प्रयागराज का चर्चित महंत नरेंद्र गिरी मर्डर मिस्ट्री की गुत्थी को सुलझाने में सीबीआई की टीम लगी हुई है और इस गुत्थी को सुलझाते हुए आज सीबीआई का जांच का 8वां दिन है। जिस मठ में कभी हमेशा संतों की भीड़ भाड़ हुआ करती थी, अब महंत नरेंद्र गिरी के घटना के बाद पूरे मठ में सन्नाटा सा है। पहले मीडिया का भी जमवाड़ा होता था, वो भी नहीं है और पिछले दो दिनों से सीबीआई की टीम भी मठ में नहीं आई है। इस वक्त हम खड़े हैं बागम्बरी मठ प्रयागराज में, जहां पर पिछले एक हफ्ते से बहुत गहमा गहमी थी और हर कोई इस बात का इंतज़ार कर रहा था कि महंत नरेंद्र गिरी की मर्डर मिस्ट्री क्या है, कौन है इसके पीछे या पूरे साजिश के पीछे कौन कौन लोग हैं और किसने इस घटना को अंजाम दिया, इसकी तफ्तीश को जानना चाहता था। लेकिन आज 8वें दिन इस पूरे बागम्बरी मठ में सन्नाटा पसरा हुआ है। आपको बताते, दो दिनों से सीबीआई की टीम भी यहाँ नहीं आई और प्रयागराज के पुलिस लाइन में जाकर पूछताछ कर रही है। इस पूछताछ में पहले तीनों आरोपी, जिन पर महंत आनंद गिरी को आत्महत्या करके उकसाने का आरोप था, उस तीनों आरोपियों में आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी से पुलिस पूछताछ कर रही है। साथ ही लेकिन आज 8वें दिन उन चेलों से भी पूछताछ कर रही है जो महंत आनंद गिरी के साथ मठ के अंदर रहा करते थे, मठ में आनंद गिरी की सेवा में रहते थे। अब उन लोगों को आज पुलिस लाइन में बुलाकर पूछताछ कर रही है। अभी भी इस मर्डर मिस्ट्री की असल गुत्थी क्या है, पुलिस को समझ में नहीं आ रही है। हालांकि आनंद गिरी को हरिद्वार लेकर गई, उनके लैपटॉप से कई अहम वीडियो और कई चीज़ें बरामद हुई हैं, उनकी जांच की प्रक्रिया आगे तो बढ़ गई है, लेकिन इस मर्डर मिस्ट्री की गुत्थी, ये हत्या या आत्महत्या, इसको सीबीआई सुलझाने में जुटी हुई है, लेकिन ये साफ नहीं हो पाया आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम के पीछे असली कातिल और असली वजह क्या है। आनंद राज, NDJ ऑनलाइन, प्रयागराज।